नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। दोस्तों, कल दैनिक जागरण जो उत्तर प्रदेश का जाना माना अखबार है, उसमें गलत खबर छाप दी थी, जो आज उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा ही जलाया जा रहा है और प्रदेश के लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आइए जानते हैं दैनिक जागरण का क्यों इतना विरोध हो रहा है और क्यों इसको पेपर को जलाया जा रहा है। दरअसल बात ये थी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है दैनिक जागरण के 24 अप्रैल 2020 के गोरखपुर संस्करण में के पेज 9 पर अखिलेश यादव की गलत खबर के साथ फोटो छाप दी गई थी। उसका शीर्षक है, लॉकडाउन के बाद कुछ दिन सस्ता मिल सकता है शराब, जिसके बाद पूरे देश प्रदेश में बड़ी मात्रा में लोगों ने दैनिक जागरण अखबार को आग लगा दी और दैनिक जागरण समूल से माफी मांगने को कहा। दोस्तों, बात यह थी कि दैनिक जागरण अखबार में शराब की खबर के साथ अखिलेश यादव जी का फोटो छाप दिया गया था, तो इतनी लापरवाही क्यों हो सकती है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवाया था या फिर उनकी ही गलती थी? आइए आगे क्या कहा क्या खबर है जानते हैं। दैनिक जागरण अखबार की इस द्रुतता से नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि दैनिक जागरण अखबार के गोरखपुर संस्करण में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सांसद श्री अखिलेश यादव जी की तस्वीर गलत तरीके से छापने पर माफी मांगे समूह, दोषी पर हो कार्रवाई, नहीं तो होगी वैधानिक कार्रवाई एवं बहिष्कार, गौर निंदनीय है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव एक साफ सुथरी छवि के नेता है जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, जो चिलम भांग आदि से कोसों दूर रहते हैं। उनकी तस्वीर को शराब की खबर के साथ एक बड़े अखबार में छाप दिया जाना क्या वह सही है? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये बहुत गलत किया है दैनिक जागरण ने और इसमें उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांग के कोई नीचा नहीं हो जाता, कोई छोटा नहीं हो जाता। इसीलिए आगे देखते हैं क्या होता है, दैनिक जागरण माफ़ी मांगता है कि नहीं मांगता, या जानबूझ के छापा था या गलती से छापा था। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, नमस्कार।